दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे Redmi TV के बारे में। Redmi TV, Redmi की तो सिर्फ फोन ही आते थे, तो जी हाँ दोस्तों Redmi की टीवी भी लॉन्च हो गई है चाइना में। तो आज के वीडियो में बात करेंगे क्या है इसके स्पेसिफिकेशन, क्या है प्राइसिंग और क्या क्या कौन कौन से वेरिएंट में लॉन्च किया है चाइना में और इंडिया में कब लॉन्च होने वाला है, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, इसी के साथ साथ घंटी बजाइए टन टनाटन और वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो Redmi और MI में क्या डिफरेंस है। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि जो Xiaomi है एक पेरेंट कंपनी है और उसके जो Redmi और MI दो उसके सब ब्रांड है। तो यहां पर MI की भी टीवी मिलती है और MI के फोन भी मिलते हैं आपको देखने मार्केट में, और इसी के साथ साथ Redmi के सिर्फ अभी तक फोन ही देखने मिलते थे, लेकिन अब चाइना में उन्होंने लॉन्च कर ली उनकी ऑफिशियल टीवी और इंडिया में भी बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है। तो अब बात करते हैं क्या है इसके स्पेसिफिकेशन जो Redmi टीवी में लॉन्च हुए हैं। तो यहाँ पर Redmi ने 4K टीवी लॉन्च की है और इसी के साथ ही साथ जो डिस्प्ले दिया हुआ है HDR डिस्प्ले दिया हुआ है। और बात कर लें यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए, तो यहाँ पर आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ टीवी में ब्लूटूथ भी दिया गया, तो जो एक अच्छा फीचर होगा क्योंकि ब्लूटूथ के आज बहुत डिमांड है स्पेशली टीवी के मार्केट में। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको डुअल वाईफाई बैंड मिलता है। डुअल वाईफाई बैंड बेसिकली होता क्या है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ और कंटिन्यू करते हैं अगले स्पेसिफिकेशन के पॉइंट के बारे में। यहाँ पर आपको 2GB का RAM और 16GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। और बात कर लें यहाँ पे टीवी के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर 64-bit क्वाड कोर एमोलॉजिक प्रोसेसर यूज हुआ है। और इसी के साथ ही साथ जो आपको MI की टीवी में अक्सर देखने मिलता है कि पैचवॉल यूजर इंटरफेस, तो यहाँ पर पैचवॉल यूजर इंटरफेस दिया गया है और इसी के साथ साथ काफी सारे कंटेंट्स आपको पैचवॉल के थ्रू देखने मिलेंगे, तो ये भी एक मेजर हाईलाइट होगा इसी टीवी का। और बात कर लें टीवी के रिमोट के बारे में, तो यहाँ पर आपको वॉइस एनेबल रिमोट मिलता है। तो वॉइस एनेबल रिमोट के थ्रू होगा कि आप अपने वॉइस के थ्रू टीवी को कंट्रोल कर सकते हो, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकते हो, तो ये भी एक अच्छा फीचर होगा क्योंकि आज की तारीख में आज के डेट में मार्केट में काफी डिमांड है स्पेशली वॉइस एनेबल रिमोट का, क्योंकि आप टाइप करना किसी को पसंद नहीं, सब लोग वॉइस के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हो। तो यहां पर Redmi ने बहुत अच्छा काम किया, तो इसी बात पे एक लाइक बनता है। और इस टीवी में पैनल कौन सा यूज किया, मतलब IPS है VA है, ये अभी हमें कोई भी अपडेट नहीं मिली है Redmi की तरफ से, लेकिन जैसी अपडेट मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। और इसी के साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑडियो टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर डॉल्बी ऑडियो टेक्नोलॉजी यूज की, इसी के साथ साथ DTS SD ये दोनों टेक्नोलॉजी यूज की है ऑडियो क्वालिटी के लिए। बात कर लें यहाँ पे टीवी के बेजल्स के बारे में, तो यहाँ पर Redmi ने बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी यूज की, अल्ट्रा थिन बेजल। इस टेक्नोलॉजी या फिर फीचर के थ्रू क्या होगा, क्योंकि आपको जब भी आप टीवी देख रहे हो तो आपको बेजल्स पता ही नहीं चलेंगे, मतलब एकदम आपको फुल स्क्रीन जो होगा कवर्ड होगा, आपको बॉर्डर जरा भी कहीं देखने नहीं मिलेंगे, बेजल बहुत ही ज्यादा अच्छे, तो देखने में टीवी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और एकदम मस्त दिखेगा, एकदम चकाचक नंबर एक का लुक मिलेगा इस टीवी में आपको। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेजर हाईलाइट की इस टीवी में, तो यहाँ पर आपको एक अल्ट्रा थिन बेजल मिलते हैं टीवी में, जो कि देखने में बहुत अच्छा दिखेगा आपका जो टीवी होगा। इसी के साथ ही साथ इसमें डुअल बैंड वाईफाई है। अब डुअल बैंड वाईफाई होता क्या है, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया बैंड वाईफाई का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको दो टाइप के आपको वाईफाई देखने मिल जाएंगे, जिसका स्पीड होगा 2.4 GHz और जो सेकेंड वाला है 5.0 GHz का। तो यहाँ पर इस दोनों टेक्नोलॉजी या फिर ये डुअल बैंड वाईफाई के थ्रू होगा कि आपको जो फास्टर बोलते हैं एकदम जिसके थ्रू आपको जो इंटरनेट स्पीड है काफी अच्छी मिलेगी, काफी फ्लेक्सिबल होगी, जैसे आपका इंटरनेट स्पीड कम होगा या ज्यादा होगा अकॉर्डिंगली डुअल बैंड वाईफाई के जरिए वो मैनेज हो जाएगा, मतलब जैसा उसको स्पीड चाहिए 2.4 में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा उसको स्पीड चाहिए 5.0 GHz में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको जो इंटरनेट का प्रॉब्लम है या फिर आपको बफरिंग का ऐसा कुछ इशू होता था अगर स्पेशली जब आपका बैंडविड्थ स्लो है या फिर इंटरनेट स्लो है, तो वहां पर आपको ये टेक्नोलॉजी काफी मदद करेगी। तो यहाँ पर दो मेजर हाईलाइट इस टीवी के कि आपको अल्ट्रा थिन बेजल मिलते हैं और एक डुअल बैंड वाईफाई। और बात कर लें यहाँ पे कौन कौन से वेरिएंट में यहाँ पे Redmi ने लॉन्च किया, तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ एक ही वेरिएंट लॉन्च किया और जो कि बहुत बड़ा वेरिएंट है, मतलब साइज में बात करूँ तो यहाँ पे 70 इंच की टीवी आपको देखने मिलेगी, मतलब 70 इंच की टीवी लॉन्च की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 70 इंच की टीवी कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी, मतलब इंडिया में या फिर बाकी शहरों में अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो हमारे घर उतने बड़े नहीं होते। अगर हमारे घर के हिसाब से 55 इंच टीवी मेरे हिसाब से परफेक्ट होती है, लेकिन कुछ लोग नसीब वाले होते हैं, कुछ लोग एकदम लकी होते हैं उनके घर बड़े
बड़े होते हैं तो उनके लिए तो डेफिनेटली ये टीवी सूट करेगी, लेकिन जो मार्केट है उसमें मेरे को लगता है कि वहाँ पे 55 इंच वाली टीवी ज़्यादा डिमांड में रहती है, 70 इंच वाले शायद थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती है, उनका सेलिंग कैसा होगा मार्केट में अभी कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। और ये इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ चाइना में लॉन्च हुई है, और चाइना में उसका जो सेलिंग है वो स्टार्ट होने वाला है 10 सितंबर 2019 से। तो आप अगर इफ एनीवन इज वॉचिंग फ्रॉम चाइना तो फिर आप वहां से परचेस कर सकते हो। दोस्तों ये टीवी इंडिया में कब लॉन्च होने वाली है अभी तक कुछ भी अपडेट हमें रेडमी की तरफ से नहीं मिली, लेकिन जैसे ही मिलेगी आपको अपडेट मिल जाएगी। और अपडेट के लिए हमारे चैनल पे आपको जुड़े रहना पड़ेगा, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, उसके बाद बेल आइकन भी दबाइए। और अगर बात करूँ यहाँ पे टीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड वाला दिया गया है, लेकिन कौन सा वर्जन है, मतलब 7 है 8 है 9 है कौन सा है, वो अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया एंड्रॉइड रेडमी वालों ने, लेकिन जैसे ही अपडेट मिलेगी उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर टीवी की प्राइसिंग क्या, मतलब 70 इंच की टीवी रेडमी की 4K HDR सपोर्ट के साथ आपको कितने में मिलेगी। तो यहां पर सीधा सीधा रेडमी वाले ने बोला है 38,000 रुपीज में इंडियन करेंसी में आपको मिलेगा, मतलब इंडियन INR प्राइस में आपको 38,000 रुपीज में ये टीवी देखने मिलेगी। तो प्राइसिंग अगर मैं देखूं तो प्राइसिंग तो बहुत जबरदस्त है, मतलब क्योंकि 55 इंच वाली टीवी अगर आप लेने जाते हो IMI की 4X या 4X Pro तो आपको 40-42 हज़ार के आसपास मिल जाते हो। तो यहां पर आपको 70 इंच की टीवी, मतलब 70 इंच की टीवी 38,000 रुपीज में मिली, तो एक बहुत अच्छा डील होगा, स्पेशली अगर आपका घर बड़ा है तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको फुल एंजॉय करोगे 70 इंच में, मतलब आपको लगेगा कि आप फुल थिएटर में बैठे हो, थिएटर वाला फील आएगा। और स्पेशली वो जियो का प्लान भी आने वाला है आने वाले एक दो हफ्ते के अंदर ही, मतलब 5 सितंबर 2019 से वो भी आ जाएगा, तो आपको जियो गीगा फाइबर के थ्रू इंटरनेट भी अच्छा मिलेगा, और जो लेटेस्ट मूवी है आपको उसी में ही मिलने वाली है, एकदम जिस दिन रिलीज होगी उसी दिन आपको टीवी में भी देखने मिल जाएगी। तो आपको 70 इंच की टीवी में फुल थिएटर वाला फील होने वाला है, स्पेशली इस रेडमी टीवी में। तो दोस्तों आपका क्या मानना है रेडमी 8 टीवी के बारे में मुझे जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव या कुछ भी डाउट होगा इस टीवी से लेके तो मुझे जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, एक वीडियो में बहुत मेहनत लगती है बनाने के लिए, तो लाइक करके जाओ। इसी के साथ साथ इस चैनल इस वीडियो को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग, हैप्पी गाइड, बाय बाय। और इसी के साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, ID है हैप्पी गाइड, बाय बाय।